So today, first of all, we will revise chapter industrialization. Starts with the dawn of century. Who published Dawn of Century? E.T. Paul. Then Aladdin and Modern Mechanic. Aladdin represent, kya represent kar raha hai? East and past. Whereas Modern Mechanic represent West and modernity. Then why merchants move towards countryside? तो इसमें आप यही बताओगे कि ट्रेड गिल्ड्स एंड टाउन्स वर पावरफुल एंड दे डिडंट अलाउ मर्चेंट्स टू स्टे इन टाउन्स, दैट्स व्हाई मर्चेंट्स हैड टू मूव कंट्रीसाइड. व्हाई पीपल ऑफ कंट्रीसाइड एक्सेप्टेड ऑफर्स मेड बाय मर्चेंट्स? बिकॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड एंड दे एक्सेप्टेड ऑफर्स गिवन बाय मर्चेंट्स बिकॉज मर्चेंट्स गेव देम एडवांस मनी एंड इन थर्स्ट ऑफ एडवांस मनी दे एक्सेप्टेड ऑफर्स. नेक्स्ट, एक एक क्लोदियर मर्चेंट के पास हाउ मैनी वर्कर्स वर देयर? तो आप कहोगे मर्चेंट्स हैड टू क्लियर फोर स्टेजेस. अगर आपको स्टेजेस पूछी जाए तो फिर आप कहोगे एट ईच स्टेज मर्चेंट्स हैड नियर अबाउट 20 to 25 वर्कर्स. इट मीन्स क्लोदियर मर्चेंट हैड 80 to 100 वर्कर्स अंडर हिम. तो इस वजह से आप ये वाला बता दोगे, ठीक है. Next is, first of all, first factory to be set up in, first mill to be set up in, कहाँ पे आई मिल? इंग्लैंड. प्रोटो का मीनिंग पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है पीरियड बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द कमिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. बिफोर, प्रोटो मीन्स बिफोर होता है. इसके बाद पूछा जा सकता है आपको फर्स्ट मिल, हु सेट अप फर्स्ट मिल? रिचर्ड आर्कराइट. अब मिल के आने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नो मर्चेंट्स दे डिडंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज होल वर्क वाज डन अंडर वन रूफ. तो इस वजह से आप ये बताओगे. फिर आप बताओगे व्हाई प्रोड्यूसर्स प्रेफर्ड वर्कर्स देन मशीन्स? मशीन्स की जगह वर्कर्स को प्रेफर किया बिकॉज वर्कर्स वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस. ऑप्शंस देखना आपको क्या पूछा हुआ है. बिकॉज मशीन्स वर एक्सपेंसिव इट्स ऑल्सो राइट. वर्कर्स वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस, ये भी आप कह सकते हो. और आपका ये आंसर भी करेक्ट होगा, डिमांड ऑफ हैंडमेड गुड्स वाज मोर एज कम्पेयर टू मशीन मेड गुड्स. तो जिस चीज़ की डिमांड होगी वही प्रोड्यूसर्स प्रेफर करेंगे ना, वही चीज़ प्रेफर की जाएगी. फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाई इंडस्ट्रियल चेंजेस केम स्लो? बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी वॉज वेरी एक्सपेंसिव. पीपल हैड नो नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू मशीन्स वर नॉट सो इफेक्टिव एज देयर मेंटर्स टोल्ड. तो इस वजह से आप बता सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजी स्लो आई. तो कितने परसेंट लोग वर्क इन न्यू टेक्नोलॉजिकल यूनिट? ओनली 20%. स्टिल 80% पीपल वर्क इन डोमेस्टिक यूनिट्स. तो न्यू टेक्नोलॉजी केम स्लो. स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के बारे में पूछा जा सकता है. How many steam engines were there in England? 321. How many steam engines worked in wool industry? 9. How many steam engines worked in cotton textile industries? 80. 9 in wool industry. Who did spinning by hand before the coming of spinning jenny? Women workers. So, who attacked new technology? Workers attack new technology because with the coming of new technology they lost their jobs. Iske ilawa aapko pucha ja sakta hai who devised spinning jenny? James Hargreaves in 1764. Next, with the coming of East India Company, who lost their charm of bargaining? Weavers. European powers that came to India. 4 European powers जो कि इंडिया में आई. आपको इसके लिए easy word बताती हूँ, PDF word learn करो. PDF आप बनाते हो ना, कभी throughout life में गलत नहीं होंगी. European powers पता रहेंगी कि कौन कौन आए थे किस serial order में. P से Portuguese, D से Dutch, F से French. सबको पता British last में है. PDF वर्ड लर्न रखो, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश. ब्रिटिश का तो सबको ही पता कि लास्ट में आए थे.
पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, क्योंकि चारों कंट्रीज देके एक ऑप्शन रॉन्ग होनी है। जैसे अभी मैं बोलूं फर्स्ट यूरोपियन पावर्स, फोर यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया, एक ऑप्शन करेक्ट दे रही, फिर दूसरी में पोर्चुगीज, फिर एफ हो जाएगा फ्रेंच, फिर डच, फिर इंग्लिश, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज होना है। पीडीएफ होएगा तो आपको पता होगा पोर्चुगीज के बाद डच ही आने हैं, ठीक है। तो एक तो ये फोर यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, तो आउट ऑफ दीज हु वर मोस्ट पावरफुल, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एलिमिनेटेड इट्स कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट। हु एस्टैब्लिश सोल राइट ओवर इंडियन ट्रेड? आउट ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स हु एस्टैब्लिश सोल राइट ओवर इंडियन ट्रेड? ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपने सोल राइट एस्टैब्लिश किए थे बाय एलिमिनेटिंग देयर कॉम्पिटिटर्स। फिर आपको पूछा जा सकता है गोमास्तान, प्री पेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देन अबाउट पोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स, ब्रिटिश पोर्ट्स। आपको ऐसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ दीज विच वाज इंडियन पोर्ट? तीन ब्रिटिश देके एक इंडियन देके पूछा जा सकता है। आउट ऑफ दीज विच वाज ब्रिटिश पोर्ट? फिर तीन इंडियन दिए जाने हैं तो एक ब्रिटिश दिया जाना, तो आपको सारे आने चाहिए। इंडियन पोर्ट्स सूरत, हुगली, मसौलीपट्टनम, एंड ब्रिटिश बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ये लर्न रखने हैं, क्योंकि अगर कोई भी बीच में से आपको सेलेक्ट करना है तो यू कैन डू। तो विच पोर्ट गॉट डिक्लाइन विद द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत पोर्ट। अर्लियर द ग्रोस वैल्यू ऑफ द ट्रेड फ्रॉम सूरत वाज हाउ मेनी, कितने मिलियन रुपीज थी? 16 मिलियन रुपीज। अर्लियर द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत पोर्ट वाज रुपीज 16 मिलियन। 16 बोला मैंने, 60 नहीं बोला, बट विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इट लेफ्ट ओनली, कितनी रह गई थी पता? 3 मिलियन रुपीज। इट लेफ्ट ओनली 3 मिलियन रुपीज। डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज विद द कमिंग ऑफ डैश इन ब्रिटेन, विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो किसकी डिमांड बढ़ी? रॉ कॉटन। किसकी डिमांड डाउन चली गई विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन? कॉटन टेक्सटाइल। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड डाउन गई। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी डाउन नहीं जाएगी। हु सेड दीज वर्ड्स? हेनरी पेटुलो। हेनरी पेटुलो वाज ब्रिटिश ऑफिशियल इन 1772। ही सेड दैट इंडियन डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वुड नेवर गो डाउन एज इट वाज ऑफ बेटर क्वालिटी, क्योंकि इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। That's why Henry Petullo ने बोला था कि कभी भी इसकी डिमांड डाउन नहीं जाएगी, बट डिमांड जो थी वो डाउन गई। क्यों डाउन गई? विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। नाउ वीवर्स हैड टू पे देयर पे कस्टम ड्यूटी। वीवर्स लॉस्ट देयर डैश एंड डैश मार्केट्स, लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। वीवर्स लॉस्ट देयर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। वीवर्स के पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट था कि शॉर्टेज थी? शॉर्टेज, बिकॉज फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो वीवर्स हैड नो रॉ मटेरियल, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसके बाद आपको पूछा जा सकता है हाउ प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडेड देयर मार्केट्स बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स देते थे, इन दिस वे दे एक्सपेंडेड द मार्केट्स, उन्होंने मार्केट्स एक्सपेंड की। यूरोपियन कंपनीज इसमें से एक नहीं है, सिलेक्ट विच वन इज वॉज नॉट अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। नाउ लिसन केयरफुली, बर्ड हैगलर, जार्डिन स्किनर, एल्गिन, एंड्रयू यूले। आउट ऑफ दीज विच वॉज नॉट अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी? बर्ड हैगलर, जार्डिन स्किनर, एल्गिन, एंड्रयू यूले। इनमें से एक मैंने गलत बोली है, एल्गिन, ई एल जी आई एन, एल्गिन मैंने गलत बोला। तो इट मीन्स यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के नाम आने चाहिए बर्ड हैगलर, जार्डिन स्किनर, एंड्रयू यूले। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज
यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, इनमें से मैंने एक गलत बोली, वो कौन सी थी? एल्गिन, एल्गिन मैंने गलत बोली है, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसी लेसन में से आप अपने आप देखो आपका कैसे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्टार्ट ही प्रोटो से होना है, फिर मर्चेंट्स वाला टॉपिक है, फिर वर्कर्स है, फिर वीवर्स है, गोमास्तास वाले टॉपिक आ जाने हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, फिर आपका है ना रॉ कॉटन की डिमांड डाउन गई, और सॉरी रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ी, कॉटन टेक्सटाइल की डाउन गई, किसने कहा था ये वर्ड्स वो पता नहीं चाहिए, फिर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें आपको पता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जमशेद जी नुसरवन जी टाटा, फिर अगर आपको पूछा जाए वो सेटअप फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया, सेठ हुकमचंद सेटअप द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया। तो इसमें से आपको ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर जो है प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आई हैव रिटन पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग में यू शुड नो द एथनिक वेरिएशन, पावर शेयरिंग के फीचर्स पता होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इज इट प्रूडेंशियल और मोरल रीजन? इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, इज इट वेरी गुड, इट्स प्रूडेंशियल रीजन, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मोरल रीजन। तो आपको इस वे से भी लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज, अब नीचे ऑप्शंस होंगी तो कैन यू सिलेक्ट, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स पता है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मेक इजी फॉर द पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आपको कोई भी ऑप्शन हो तो यू कैन सिलेक्ट, पता है ना। एथनिक वेरिएशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल सिटी बताओ पहले, ब्रुसेल्स। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ डैश कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है? यूरोप। नेबरिंग कंट्रीज पता नहीं चाहिए, फोर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। आपको एक गलत दे के पूछ लेना है, आउट ऑफ दीज डैश इज नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम। अगर आपको फोर की फोर आती होंगी तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद वेलोनिया रीजन में कौन रहते थे? हु लिव इन वेलोनिया रीजन? वेलोनिया एंड फ्लेमिश टू रीजन है ना, तो मैंने ऐसे लर्न करवाया था, एफ के साथ एफ नहीं आना, इट मींस वेलोनिया में कौन? वेलोनिया में कौन? फ्रेंच, फ्लेमिश, डच, क्योंकि एफ के साथ एफ आना ही नहीं है, फ्लेमिश फ्रेंच नहीं होएगा, वेलोनिया फ्रेंच, फ्लेमिश डच, वेलोनिया फ्रेंच, फ्लेमिश डच, तो ये टू रीजन कंट्री में डच डैश परसेंट 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%, वेयर इज इन कैपिटल सिटी फ्रेंच 80% एंड डच 20%। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ बेल्जियम वाज डन इन, डन फ्रॉम 1970 से लेके 1992, 1993, हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी बार किया? फोर टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, फोर टाइम्स। फिर हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन सी जगह बनी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। विच पाथ वाज फॉलोड बाय बेल्जियन लीडर्स? अकोमोडेशन पाथ। विच पाथ वाज फॉलोड? श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका इन डैश ईयर by which government followed majoritarianism 1956. So Sinhala became the dash of the Sri Lanka, official language of Sri Lanka. Dash became the official religion of Sri Lanka. Buddhism became the official religion of Sri Lanka. Tamils were, percentage of Tamils in Sri Lanka, 18%. Further divided into two parts.
तो वो कैसे थे? 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल, क्रिश्चियंस वर 7%, मुस्लिम्स वर 1%, सिन्हाला 74%, सिन्हाला 70। तो ये सारी परसेंटेज आपको टिप्स में होनी चाहिए, सारा कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाना कि क्रिश्चियंस वर डैश परसेंट, तमिल्स वर डैश परसेंट, इंडियन तमिल्स वर डैश परसेंट, तो फिर ये आपको बताएंगे तभी लिखोगे। मुस्लिम्स वर डैश परसेंट इन एंड तमिल्स डिमांडेड डैश। इलम, इलम मींस इलम करेंसी थी, सेपरेट स्टेट थी, सेपरेट स्टेट किसके लिए? फॉर क्रिश्चियंस और फॉर तमिल, तमिल दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर तमिल, तमिल डिमांडेड इलम, इलम मींस सेपरेट स्टेट फॉर तमिल। तो सिविल वार वाज हेल्ड इन बेल्जियम और श्रीलंका, श्रीलंका बिकॉज श्रीलंकन लीडर फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। पावर वाज नॉट शेयर्ड बाय श्रीलंकन लीडर्स, बेल्जियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, श्रीलंकन लीडर्स ने पावर को शेयर नहीं किया था, दैट्स व्हाई देयर वाज सिविल वार इन श्रीलंका। तो इस वजह से आपको श्रीलंका के क्वेश्चंस लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज फिर आपके आ जाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में से बहुत से क्वेश्चन बन जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ डिविजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सोशल ग्रुप्स कोलिजन, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टल है क्योंकि एक ऑर्गन लॉ बना रहा है, एक ऑर्गन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक उसकी चेक कर रहा है कि वेदर द लॉज आर फॉलोड बाय पीपल और नॉट, ठीक है ना, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। अब मैं बोलूं पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, दिस टाइप ऑफ डिविजन इज नोन एज वर्टिकल। अगर मैं बोलूं पावर्स आर बैलेंस्ड, पावर्स आर बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल, हम खुद ही कहते हैं नो अनलिमिटेड पावर गिवन टू एनी ऑर्गन, पावर्स आर बैलेंस्ड। अब मैं बोलूं देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, इसमें सिस्टम ऑफ चेक है, अगेन हॉरिजॉन्टल, देयर इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, खुद ही तुम कहते हैं बिकॉज पावर्स आर बैलेंस्ड। Judges of judiciary are appointed by executive and they keep an eye on the functioning of legislature. इसीलिए हम कहते हैं there is a system of check and balance because powers are balanced. Separation भी horizontal में ही है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ powers divided between legislature, executive, judiciary is an example of horizontal vertical के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर्स डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल क्यों कंफ्यूज हो, क्या आंसर दे रहे हो? हॉरिजॉन्टल इज द करेक्ट आंसर। पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल। पावर्स आर शेयर्ड विद एससी एंड एसटी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ power shared by different social groups. Power shared by different political parties is an example of dash coalition government. Power shared by different political parties in India is an example of coalition government. Third kind of government was set up in Belgium, that was, agar main puchu to aap batana, community government, communist government, bolshevik government, बताओ इसमें से कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम। अगर मैं पूछूं एक्सेप्ट इंडिया, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन दिस, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन दिस कंट्री, तो फिर बेल्जियम है। इंडिया एंड बेल्जियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसी एग्जाम्पल है दोनों कंट्रीज? पावर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया में हम क्यों कहते हैं? बिकॉज पावर्स आर शेयर्ड विद एससी एंड इन बेल्जियम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट सेट अप इन बेल्जियम बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो इस तरह के कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब साथ में मैं पूछूं अगर इन यूके देयर इज यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी, इन इंडिया
वी हैव क्वासी फेडरेशन, ठीक है, क्वासी फेडरेशन बिकॉज सेंटर इज नॉट मोर पावरफुल, स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट, सेंटर इज पावरफुल. रॉन्ग, इंडिया में स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट है, सेंटर इज मोर पावरफुल. खुद ही हम कहते हैं रेजिडेंट पावर्स आर इंजॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑन 97 सब्जेक्ट्स इन दिस सिस्टम, 97 सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज. इफ क्लैशेस अकर, लॉ मेड बाय डैश प्रिवेल्स. सो व्हिच इज पावरफुल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इज पावरफुल. सो इन इंडिया वी हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर मैं पूछूं हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट, कितने सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट में? गलत, इस वजह से लर्न रख लो. फर्स्ट इज 97, वो है यूनियन लिस्ट. फिर स्टेट लिस्ट 66, फिर है कॉन्करेंट लिस्ट. इसी को ऐसे कर दो, ये 47 हो जाना. 47 सबसे टॉप पे तो यूनियन लिस्ट ही आनी है ना, फिर स्टेट लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट आनी है. इसी को बना देना 47, मैच करके देख लो 47 बनना. देन रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स ओनली इंजॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. रेजिडरी पावर्स होती क्या है? पावर्स सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट सिस्टम लेटर एडेड इन रेजिडरी पावर्स, ठीक है. तो अगर मैं पूछूं करंसी किसमें आती है? करंसी डिफेंस, वेरी गुड. अगर मैं यहाँ पे पूछूं पुलिस, स्टेट लिस्ट. मैरिज डिवोर्स, तो रेलवे, रेलवे रेजिडरी, रेजिडरी पावर. रेलवे टेक्नोलॉजी, ये बाद में आए ना, टेक्नोलॉजी, ये रेजिडरी पावर. सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर गिवन इन द बुक, आपको वो सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा है तो आप समझ लेना वो रेजिडरी है. लर्न द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द बुक. अगर आपको वो आ जाते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स इफ आपको लर्न हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा आता है तो समझ जाना वो रेजिडरी पावर है, ठीक है. तो लर्न लाइक दिस, तो अपने इस वे से इस लेसन की तैयारी करो, ठीक है.